सारे घर का काम कर करके मैं थक जाती हूँ, और सब घर के काम नहीं होते। अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरा और हमाद का काम कौन करेगा? नहीं बाबा, मुझे हमाद की शादी करनी चाहिए। आज हमाद आ जाए, मैं उससे बात करती हूँ। मुझसे अब घर के कामकाज नहीं होते। मैं तो सोच रही थी कि पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मैं मुलाजमा अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। इस तनख्वाह में इतनी मुश्किल से गुजारा होता है घर का, मैं मुलाजमा कैसे अफोर्ड करूंगा? उफ मेरे खुदा, क्या पागल हो गए हो? मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रही हूँ और तुम मुलाजमा को लेकर परेशान हो रहे हो। मेरी शादी? जी जनाब, तुम्हारी शादी। नहीं पापा, आपकी शादी से पहले मैं अपनी शादी के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ? वो ये सारी बातें छोड़ो और दूल्हा बनने की तैयारी शुरू करो। कल कुछ लोग तुम्हें मिलने आ रहे हैं, यानी तुम्हें देखने आ रहे हैं। अच्छा चलो, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है? ठीक है। शुक्र है बाजी को देर से ही सही मेरी शादी का ख्याल तो आया। हमाद नहीं आया अभी? बस आता ही होगा। वैसे मेरा भाई बहुत सीधा है, जैसे ही ऑफिस से छुट्टी होती है ना, सीधे घर आ जाता है, बाहर तो रुकते ही नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो अच्छी बात है। लगता है हमाद आ गया। माशाल्लाह घर तो बहुत अच्छा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, घर तो वाकई बहुत अच्छा है। हमारी बेटी राज करेगी, राज। लीजिए, अब मादा आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। चाय। सकीना, फिर तुमने क्या सोचा? उन्हें क्या जवाब देना है? मुझे तो हमाद बिल्कुल पसंद नहीं आया। आपने फौजिया की उम्र देखी है? बेटी लगेगी उसकी। मुझे तो कौसर जैसे समझदार औरत की अकल पे हैरत हो रही है। घर अच्छा था, फिर ऐसे रिश्ते। नहीं नहीं, मैं अपनी भूल जैसी कम उम्र की बच्ची की शादी नहीं कर सकती। आप बस फोन करके उनको मना कर दें। अरे कौशल बहन का फोन आ गया। हेलो कौशल बहन। जी जी जी, हमार हमार, क्या दफ्तर नहीं जाओगे? नहीं, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। क्यों, क्या हुआ? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। दवाई ले ली है मैंने, थोड़ी देर सोऊंगा तो तबीयत ठीक हो जाएगी। हमार मेरे भाई, छोटी छोटी बातें दिल पे मत लिया करो। अभी उन लोगों ने मना थोड़ी किया है। मुझे पूरा यकीन है फौजिया ही इस घर की बहू बनेगी। पापा मुझे नींद आ रही, मैं कुछ देर सोना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम आराम करो, मैं वो सकीना की तरफ जा रही हूँ। ठीक है? ठीक है। Thank you.
फौजिया मेरी बात को गौर से ध्यान से सुनो। क्या हुआ माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? मेरा बच्चा, तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी हमाद से करवा रहा है। मुझे तो हैरानगी हो रही है कि वो कैसे और क्यों मान गया। अम्मा, लेकिन अब्बा ने तो रात को इनकार कर दिया था ना। अब्बा कैसे? मुझे तो समझ नहीं आ रही कि तुम्हारा बाप राजी कैसे हो गया इतनी बड़ी उम्र के बंदे से तुम्हारी शादी करने के लिए। और तो और उन्होंने मुझे ये धमकी भी दी है कि मैं तुम्हें तलाक देकर इस घर से निकाल दूंगा। अब्बा ने ऐसा कहा? हाँ बेटा, मैं तुम्हें लेकर कहाँ जाऊं? ये घर मेरा वाहिद सहारा है। काश तुम्हारे नाना नानी जिंदा होते तो मैं तुम्हें लेकर वहां चली जाती। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मेरे शोहर को नेक की हिदायत दे। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम माँ बेटी ने? अकरम, क्या हो गया है आपको? क्यों कर रहे हैं ये सब? मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैं जबान दे चुका हूँ। फौजिया बेटी, परसों तुम्हारा निकाह है और मुझे उम्मीद है कि तुम बाप की जबान का मान रखोगी। रखोगी ना? फौजिया बेटी, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, रखोगी ना? जी अब्बा। बेटा, मुझे यकीन था कि तुम मुझे कभी मायूस नहीं करोगी। सुभान अल्लाह, आज से तुम इस घर की मलका हो और मेरे दिल की भी। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं दुनिया की हर खुशी तुम्हें दूंगा, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, वादा है मेरा। कौन? शायद कौसर आ पाऊंगी। पापा इस वक्त? मैं देखता हूँ। बाहर तो कोई भी नहीं है। तो फिर ये आहट कैसी? आपके और मेरे अलावा इस घर में तीसरा कौन हो सकता है? तुम्हारा कहने का मतलब कौसरापा? खैर छोड़ो, तुम खुश तो हो? अरे ये क्या कर रही हो? आपा, वो नाश्ता बना रही हूँ। अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं और तुम किचन में लग गई हो? क्या बातें हो रही है भाई आपा? कुछ नहीं, देखो ना, अभी शादी हुई है, अभी ससने काम करना शुरू कर दिया, पूरी जिंदगी पड़ी है काम करने के लिए। क्या तो आप सही रही हैं। बल्कि आपा, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप एक नौकरानी का बंदोबस्त कर लें। पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं मुलाजमा अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। इस तनख्वाह में इतनी मुश्किल से गुजारा होता है घर का, मैं मुलाजमा कैसे अफोर्ड करूंगा? पापा, पापा। हाँ पापा, कहां खो गई? कहीं नहीं। जो तुम्हें मुनासिब लगता है वो करो, मुझसे क्या पूछते हो?
हमाद, ये आपा को क्या हो गया? पता नहीं। आपा, आप क्या समझ रहे हैं कि मैंने शादी इसलिए की है कि घर में नौकरानी आ जाए? नहीं, ये आपकी सोच है। मैंने तो शादी इसलिए की है कि मुझे एक साथी की जरूरत थी और अल्लाह ने मुझे इतना प्यारा साथी दिया है। अब अगर मैं इसका ख्याल ना रखूं तो ये मेरी बदकिस्मती है। फौजिया, कहीं जा रही हो क्या? जी आपा, हम मात कह के गए कि आज हम बाहर खाना खाएंगे। लेकिन मैंने तो घर में सबके लिए खाना बना लिया है। तुम ऐसा करो कि उसे फोन करके मना कर दो और कहो कल चलेंगे। जी, मैं फोन करके कहती हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फौजिया, मैं ऑफिस से निकल गया हूँ, बस तुम तैयार हो, मैं आ रहा हूँ, ठीक है? मगर आपा कह रही हैं कि मैंने घर में खाना बना लिया, आज का प्रोग्राम कैंसिल कर दो। फौजिया, तुम आपा से कहो कि खाना फ्रिज में रख दे, हम खाना आज बाहर ही खाएंगे, ठीक है? ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। यही कह रहा होगा ना कि हम कल चले जाएंगे? वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। कहाँ रह गया हमाद, हद हो गई है। इसे मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं कि मैं घर में अकेली होंगी। क्या लोग शादी के बाद इस कदर बदल जाते? आने दो हमाद को, आज मैं पूछ के ही रहूंगी कि बीवी के आते ही बहन को भूल गया, और वो भी उस बहन को जिसने अपनी सारी जिंदगी उस पर कुर्बान कर दी, इस काबिल बनाया कि वो कमाने लगे। आज जब मुझे इसकी जरूरत है तो इसने मुझसे मुंह फेर लिया। आने दो, आने दो, मैं इससे अच्छी तरह पूछूंगी। अस्सलाम वालेकुम। ये तुम्हारे आने का वक्त है, तुम अभी भी क्यों आयो? सुबह आते? और तुम, अगर अमात को टाइम का एहसास नहीं था, कम से कम तुम तो याद दिला सकती थी कि घर जाना है। आपा, आप इस लहजे में फौजिया से बात ना ही करें तो अच्छा होगा। मतलब? फौजिया, तुम अंदर जाओ। मतलब ये कि मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि आप मेरी शादी करके पछता रही हैं, और अब आपको बात बेबात लड़ने झगड़ने के बहाने चाहिए होते, आपने जिंदगी अजाब कर दिया हमारी। तुम तो बीवी के गुलाम बन गए हो। मैं समझ सकती हूँ कि ये सारी बातें तुम्हें फौजिया ने सिखाई है ना? आप हर बात का कसूरवार फौजिया को क्यों समझती है? वो बेचारी तो आपकी इतनी इज्जत करती है। लेकिन छोड़े, आप नहीं समझेगी। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? तो मर जाए ना, ये शौक भी पूरा कर ले, शायद इसी से सबको सुकून मिले। क्या हुआ? मैं कब से गेट नॉक कर रही हूँ, आपा दरवाजा नहीं खोल रही है। दरवाजा नहीं खोल रही है? आपा, हटो। आपा, 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 आपा,
आपा आपा नहीं आपा आपा मुझे छोड़ के नहीं जा सकती तुम। तो तुम्हारा कहना यह है कि तुम्हारी बहन ने सिर्फ हसद में आकर खुदकुशी कर ली? जी। अगर वो इतना हसद करती थी तो वो तुम्हारी और फौजिया की जान भी ले सकती थी। काश आपा मेरी जान ले लेती। ऐसा भी तो हो सकता है कि कौसर ने आपको जान से मारने की कोशिश की हो और आपने खुद ही उसे नींद की मौत सुला दिया हो और अब उसकी मौत को आप खुदकुशी बता रहे हैं। नहीं, मैं अपनी आपा की जान नहीं ले सकता। तो अगर तुमने नहीं किया तो ये भी तो हो सकता है कि तुम्हारी बीवी ने कत्ल कर दिया। नहीं, मेरी वाइफ तो बहुत मासूम है। वो आपा से बहुत प्यार करती थी, वो भला ऐसा कैसे कर सकती है। सर उस दिन घर में ही था और आपा का हसद उन्हें खा गया। ओके, ठीक है, अली जाके फौजिया को लाओ। और हमाद आप जा सकते। कौसर किस किस्म की खातून थी? वो बहुत अच्छी थी। तो इसलिए तुमने उसको जान से मार दिया? नहीं नहीं, मैंने उनका खून नहीं किया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अच्छा, तो तुम्हारे इल्म में नहीं था कि कौसर आपा तुमसे हसद करती हैं, जैसा कि हमें हमाद ने बताया? जी, उनको एतराज था मुझसे, लेकिन इतना भी नहीं कि वो अपनी जान दे देती। मेरे वालदैन के इनकार करने के बावजूद वो दो बार रिश्ता लेके आई। दो दफा रिश्ता मांगा क्या? आपके वालदैन को क्या एतराज थे? बस उमर का एतराज था। हमाद मुझसे 20 साल बड़े हैं। तो फिर आपके वालदैन को किसने राजी किया इस शादी के लिए? कौसर आपा ने। आपके वालदैन को कौसर ने मुतमईन किया होगा, तभी तो आपकी शादी हमाद से हुई। लेकिन आखिर ऐसी क्या बात हुई होगी? हो सकता है कि हक महर की रकम ज्यादा लिखवाई गई हो। मुझे नहीं पता मेरा हक महर कितना है। मेरा निकाहनामा मेरे वालदैन के पास है। अली फौरन निकाहनामा लाओ फौजिया के घर से। ओके सर। मेरे वालदैन कौसर आपा की और हमाद की बहुत इज्जत करते थे। आप प्लीज उनको इस मामले में नहीं घसीटिए। संडे का नामा अकमेर 30,000। 30,000? तुमने सही तरह से पढ़ा है इसको? जी सर, आप भी देख लें। यार ये तो केस और भी मुश्किल होता जा रहा है। क्या वाकई कौसर ने अपने आप को मारा हसद की वजह से? सर ये तो जारा के मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अली तुमने फौजिया के वालदैन में कोई अजीब सा डर देखा? जी हाँ सर, फौजिया की वालदा सकीना कुछ घबराई हुई लग रही थी। अली तुम सकीना पे नजर रखो, जो जो करती है जहां जहां पे जाती है आई वॉन्ट नो। ठीक है सर, गुड जॉब। थैंक यू। आपने इतनी देर से शादी क्यों किया? क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? जी मेरी आपा की शादी नहीं हुई थी और मैं चाहता था कि पहले आपा की शादी हो जाए फिर मैं शादी करूं। तो फिर आपकी शादी कैसे हुई और वो भी एक कम उम्र लड़की से? सर आपा से अब घर के काम नहीं होते थे और मुलाजमा हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए आपा ने फौजिया से मेरी शादी का सोचा। तो क्या आपने भी फौजिया के साथ शादी का सिर्फ घर की देखभाल के लिए सोचा था? मुझे तो एक हमसफर की जरूरत थी और मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और सर शायद आपा से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने खुदकुशी कर ली। सर कौसर ने खुदकुशी नहीं की। तो मेडिकल रिपोर्ट ने ये साबित कर दिया है कि कौसर का कत्ल किया गया है। उनकी मौत जहरीली खीर खाने से हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने नींद की गोलियां नहीं खाई थी। बिल्कुल, वो कुछ ऐसी मेडिसिन्स ले रही थी
जिससे उनके जहन पर असर पड़ रहा था। क्या मतलब, कैसी मेडिसिन? सर कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि जहनी सुकून के लिए ली जाती हैं, लेकिन अगर इन मेडिसिन का ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल किया जाए तो इंसान उससे मर भी सकता है। और यही वो मेडिसिन हैं जो कि खीर में डाली गई हैं। क्या वो इस किस्म की कोई मेडिसिन यूज कर रही थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सही भी थी। ये मोहतरमा जब दवाइयाँ लेके गई, कौन सी लेके गई? अच्छा, थैंक यू। सर आपको क्या लगता है कि ये मर्डर किसने किया? हाँ अली बोलो। जी अभी सकीना एक मेडिकल स्टोर आई थी और उसने कुछ मालूमात लिए दवाइयों के बारे में। अच्छा, तो अली एक काम करो, इसकी हर एक एक मूवमेंट को नोट करो। ये जहां पर भी जाती है, जो भी कर रही है, हर एक डिटेल चाहिए। ठीक है, ओके। सर, सकीना को मेडिकल स्टोर में देखा गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि सकीना ने ही कौशल का कत्ल किया है। मेबी। यस। तो इसका मतलब ये हुआ मैडम कि आपने कौशल के खीर में जहर डाला है। जहर? हाँ, मुझे याद है सर, सकीना आंटी हफ्ते में दो बार पापा के लिए खीर लेकर आती थी। नहीं नहीं, मेरी अम्मी ने कत्ल नहीं किया, ये बेकसूर हैं। फौजिया तुम खामोश रहो। सकीना बीबी, अब आप ही बता दें, क्योंकि वैसे भी आपका बचना तो मुश्किल है। अली अब तक सारी इंफॉर्मेशन मेडिकल स्टोर से ले चुका होगा। हाँ, मैंने ही मेडिसिन खीर में मिला के दी थी कौसर को, क्योंकि उसने मुझे मेरी बेटी से जुदा कर दिया। जुदा? क्या मतलब? क्या आपकी मर्जी नहीं थी कि हम्माद की शादी फौजिया से हो? नहीं, मेरी मर्जी नहीं थी। तो इसमें कौसर बेचारी का क्या कसूर था? ये फैसला आपने और अकरम ने लिया था ना? वो फैसला सिर्फ अकरम का था। न जाने कौसर ने कौन से ख्वाब दिखाए थे कि वे उन्हीं की बात सुनते थे। इसलिए आपने कौसर को जहरीली खीर खिला के मार डाला, और इस काम में आपका साथ दिया आपकी बेटी ने। नहीं नहीं, मेरी बच्ची बेकसूर है, इसे कुछ भी नहीं पता। सर, अकरम। उस रात मेरे घर पे बाबा आए थे। हाँ भाई अकरम, अब बोलो क्या सच है? ये दोनों माँ बेटियाँ मुझे फंसाना चाह रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, झूठ बोल रही है दोनों। ऐसी ही बात है अकरम साहब। सर, अकरम के अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा हुए हैं और वो कौसर ने करवाए थे अपने कत्ल से पहले। हाँ, अब बोलो अकरम, कौन किसको फंसा रहा है? यहीं पे सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब समझ आ रही है मुझे, ये सारा खेल पैसों का है। अकरम, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने कौसर के साथ पैसों का कोई सौदा किया था? मैं कुछ पूछ रहा हूं। हाँ, ये सच है, मैंने पैसों की लालच में फौजिया की शादी की थी। इस शादी के लिए कौसर ने मुझे 15 लाख रुपए देने का वादा किया था। कौसर बहन, आप बात समझने की कोशिश करें, वो सकीना क्या 15 लाख? लेकिन शादी के बाद वो मुकर गई, और मेरे बार बार कहने के बावजूद भी मुझे बार बार जलील करती रही। फिर मैंने एक दिन देखा कि मेरी बीवी सकीना कौशल को खीर देने के लिए उसमें कुछ मिला रही है। मैं बड़ा खुश हुआ, लेकिन फिर ये सोच के डरने लगा कि अगर कौशल को पता चल गया कि सकीना उसके खिलाफ साजिश कर रही है, तो कहीं कौशल मेरे 15 लाख रुपए का भांडा ना फोड़ दे। और उधर रात को मैं फौजिया और सकीना की टेलीफोन पर गुफ्तगू सुन चुका था कि हम्माद ने कहा काश वो मर जाए, और फिर मैंने इस मौके का फायदा उठाया और खीर में उस जहरीली दवा की मिकदार ज्यादा से ज्यादा मिला दी।
ताकि वो मर जाए, और वो मर गई। मैंने उसकी मौत को खुदकशी का रंग दे दिया। यानी कि कैसे बाप हो तुम? तुमने अपनी बेटी को बेच दिया। अकरम, तुम जैसे शख्स को तो अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा जो रहमत को जहमत समझकर फरोख कर देते हैं। आप अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश कर सकती थी। आप चाहती तो ये शादी ना होने देती, आप दोनों अकरम के खिलाफ खड़ी हो जाती। लेकिन पता नहीं क्यों हमारे मुआशरे की औरतों को तो होश तब आता है जब पानी सर से गुजर चुका होता है। आपकी सिर्फ एक गफलत की वजह से कौसर अपनी जान से गई। ATV, सारे रंग हमारे।